माशाल्लाह से दोस्तों ये देखिए तकरीबन 2 घंटे जो मुकम्मल है और एक आध ये तकरीबन 2.5 घंटे साइलेंट जनाब माशाल्लाह से आ चुका है काले खान कवालियों वाले वाले पर। अभी राम राम से इसको अंदर डाल देंगे। गाय सारी की सारी जनाब उस साइड पे चली गई हैं ताकि आराम सुकून के साथ साइलेंट डाल दिया जाए, उसके बाद जनाब वो इधर एंट्री मार जाएंगे। अभी सारी माशाल्लाह से उस साइड पर कर दी बिलाल भाई ने, ये देखें कुछ उस साइड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब प्यारे सजनों का? उम्मीद है यार आप सारे खैर और खुश राजी होंगे जनाब। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको दे से तंदरुस्तियाँ, दोनों जनों की ढेरों सारी कामयाबियाँ, आपस में प्यार मोहब्बत और दीन इस्लाम की कामिल चाहते। करते हैं कब लोग शुरू। ये देखें जनाब माशाल्लाह से भाई मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद अरशद साहब काले खान कवालियाँ वाले, ये देखें जनाब काले खान जनाब गोबर का जो एक रेड है वो फेंक के आ गया माशाल्लाह से। बड़ा यार माशाल्लाह काम करता है, 2-3 फेरी जनाब अपने लगा लेता है, उसके बाद छुट्टियां मारता है जनाब। सेहत इसकी माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, क्योंकि मंडा शंडा इसको ना हल्का फुल्का वाह 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 डाल देते हैं ताकि ये खुश रहे बाद रहे और मौजे करता है। मिठू ये मिठू अरे मिठू मिठू भी जनाब इधर दीवार के साथ पीछे बंधा हुआ है, कभी मूड आया तो पबका लगा देता है, पक्का इसको बांध के रखते हैं। बड़ा ख़तरनाक है जनाब, पैर रहता है बहुत उस्ताद है यार। तो ये माशाल्लाह से गए जनाब पानी पी रही है, देखे माशाल्लाह उजी के पास में सारी आ चुकी हैं क्योंकि सुबह सुबह माशाल्लाह ये ना बंडा खाती हैं, उसके बाद जनाब माशाल्लाह से खूब इनको ना पानी पीने का मन करता है क्योंकि बंडा ये गर्म होता है ना, जो गोली बंडा है जनाब बट किसान बंडा डाल रहे हैं HD 28 नंबर है इनको माशाल्लाह से। तो अभी ये सारी पानी पी रही हैं और अरशद भाई और बिलाल भाई उनके सारे जना 2 घंटे लेने के लिए जा चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह जब आएंगे तो इनको डाल देंगे। ये यार बछड़ी इसको भी कल बुखार हो गया था, फिर इसको चेक करते हैं, कल टीके इसको लगवाए थे डॉक्टर साहब आए थे, अभी थोड़ी सी ना परेशान लग रही है। और एक वो जिस सामने धूप में नजर आई बड़ी काली गाय यार, वो बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ी है, उसके लिए भी दुआएं खैर फरमाएंगे ठीक हो जाए। और ये एक बछड़ी जो है ना इसको भी आते हैं अरशद भाई तो फिर इसका टेम्परेचर ले लेते हैं कि क्या इसका सीन है। तो माशाल्लाह से ये बछड़ी हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डिलीवर हो चुकी है, इसने जनाब बछड़ा दिया हुआ है और इसको भी बालशाला काफ़ी पड़ी हुई है लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह ठीक हो जाएगी। ये घर की बछड़ी है माशाल्लाह से, इसकी जो माँ ना वो एक्सपायर हो गई थी तो अभी अल्लाह की शान है ये माँ की जगह जगह पे आ गई है माशाल्लाह ना ठीक ही इसने माशाल्लाह से वाना वगैरह बनाया हुआ है। तो बाकी धूप निकल आई माशाल्लाह, अभी आहिस्ता आहिस्ता वर्द को भी बाहर ले आते हैं, उसको भी बाहर निकाल देते हैं, छोटे बछड़े भी बैठे हुए यहाँ पर, अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से धूप आ जाएगी ये भी मौजें करेंगे। मिट्टू भी जनाब उधर पबके भी लगा रहा है, दूध का दूध शूद बिनती करके रखा हुआ है, तकरीबन दूध भी आने वाला यहाँ पे इनकी चुवाई हो जाती है। तो ये हमारी रानी गाय ये भी बीमार हो गई थी, इसको जो ना वो मेदे का प्रॉब्लम था इशू था लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ठीक हो चुकी है। अल्लाह करे यार साहब के जितने भी बहन भाई हैं जिन्होंने मालदारी रखी हुई है अल्लाह पाक साहब के माल जान की खैर और फैयत फरमाए। तो बाकी अभी अरशद भाई ले के आते हैं माशाल्लाह, सैली लाद रहे हैं वो काले खंक वाले पर गड्ढे पर ले आते हैं, वो यहाँ पर ला के उसको अंदर डाल के बाद में खोल के आगे डाल देते हैं माशाल्लाह से उसको ना। ये देखिए इसको काफ़ी बल पड़ी हुई है, ये देखें इसका वाना ना सूजा हुआ है लेकिन माशाल्लाह से अच्छी बैठी है ये भी ना माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा इसने सिर्फ रिस्पॉन्स दिया, छोटी सी है ठीक है, अगले सुबह मज़ीद कद भी इसका बढ़ेगा इंशाल्लाह और बेहतरीन हो जाएगी। बाकी माशाल्लाह से तकरीबन सारे जानवर ठीक हैं। ये बछड़ी जो देखे फिर चारे के ऊपर गई वापस आ गई, इसको भी चेक करते हैं, डॉक्टर वकास साहब को बुला लेते हैं और वो जो गाय है ना उसको भी देख लेते हैं। वो भी दोस्तों जनाब आ गए हैं अपना जो माशाल्लाह से अल्लाह के फजल व करम से और प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जी का जनाब सदका बन रहा है नया शेड अपना माशाल्लाह से। तो ये माशाल्लाह से पठान भाई जो है ना माशाल्लाह ये देखे काफ़ी बर्ती इन्होंने डाल दी हुई है, ये सारे जो है ना माशाल्लाह बीम बीम जो है बीम के पहले पहले अंदर डालनी है फिर बाहर डालेंगे ताकि उनका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। बाकी ये साइड पर जो जगह है इसमें तो सिर्फ वैसे बर्ती डालनी है, चुकंदर सैलज ये वो इधर बंदा रख लेता है ना। तो बाकी ये जो है ना बीम वगैरह इनमें जनाब पहले डालनी है, मेरे की मिट्टी है माशाल्लाह बड़ी ना खूबसूरत और प्यारी मिट्टी है जनाब, तो ये डाल रहे हैं काफ़ी इंशाल्लाह ना इसकी ITR बन जाएगी बड़ा प्यारा लगेगा। वो कल चले गए हैं जो पिलर वाले भाई थे ना असलम भाई, फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह जब भी भर्ती कंप्लीट होती है फिर रूला मंगा के अच्छी तरह से इसको जनाब दबा लेंगे ताकि शेड को कोई मसला ना बने। कम्प्लीट होती है जो ही तो फिर रूला ले के आते हैं, रूला ले के आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसका जो काम है वो पीढ़ा हो जाएगा। निशानियाँ उन्होंने लगाई हुई है देखे जैसे आपको ये नज़र आ रही है ना हल्की सी ये वाले यहाँ तक बर्ती डालनी है, इस तरह जितने भी पिलर हैं तमाम पर उन्होंने जनाब लगा दी हुई है जनाब निशानियाँ ताकि
टेंशन ना बने, भर्ती उनके मेयार के मुताबिक हो जाए फिर उन्होंने कार्रवाई आगे शुरू करनी है। तो काले खां कवालियों पर ये देखें माशाल्लाह से साले लाद के ले गए हैं, ये देखें अभी इंशाल्लाह इसको डालते हैं तो गैस सारी खुशी से खा लेती हैं। जो एक दो बीमार हैं उनका थोड़ा सा इशू आ रहा है, अल्लाह करेगा वो भी ठीक हो जाएंगे। बाकी सारा माशाल्लाह ना काम शुरू है। तकरीबन रात 8 बजे तक ना भर्ती डालते रहते हैं, आज फिर आएंगे तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 दिन में ये पिलर जो है ना इनका कट्टा खोल जाएगा इंशाल्लाह ना। माशाल्लाह से दोस्तों ये देखे तकरीबन 2 घंटे जो मुकम्मल है और एक आध ये तकरीबन 2.5 घंटे साइलेज जनाब माशाल्लाह से आ चुका है काले खान कवालियों वाले वाले पर। अभी राम राम से इसको अंदर डाल देंगे, गाय सारी की सारी जनाब उस साइड पे चली गई हैं ताकि राम सुकून के साथ साइलेज डाल दिया जाए, उसके बाद जनाब वो इधर एंट्री मार जाएंगे। अभी सारी माशाल्लाह से उस साइड पर कर दी बिलाल भाई ने, ये देखें कुछ उस साइड पर चारा पड़ा हुआ है साले वगैरह वो भी खा रही हैं और ये सारा इंशाल्लाह 2.5 घंटे इनको डाल जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी के साथ एक बार नाश्ते इनका कम अज कम तकरीबन 1 बजे तक क्लियर रहेगा, उसके बाद ये एक जो रेड़ा नाश्ता लेगा और एक कमाद का वो भी उठा कर ले आएंगे, तो इसके बाद वो कुतराई करके इनको आगे डाल देंगे इंशाल्लाह। फिर ऊपर शाम के टाइम 3 घंटे या 2 जितनी ज़रूरत होगी वो डाल देंगे। तो बाकी सारे तो अपने बनाना चाहिए, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चेंजिंग कर रहे हैं सारे जितना हो सके अपनी ज़मीन में वो भी तैयार करेंगे। कुछ चुकंदर का आर्डर दे दिया हुआ है तकरीबन 250 टन का, वो भी आ जाएगा कुछ। फिर ऐसा ऐसा देखते हैं कैसे मामला बनते हैं, क्योंकि साले के बगैर गुजारा निश्तारा उड़ाए। ये देखे जनाब माशाल्लाह वक्त आगे इनको डाले जा रहे हैं, ये देखे माशाल्लाह रात का जो ना इसमें थोड़ा थोड़ा साइलेज भी है स्टाल और कमाद ना उस साइड पर काफ़ी पड़ा हुआ है। ये सारा भी मिक्सिंग कर देंगे इंशाल्लाह, तो फिर माशाल्लाह से बड़े शौक व जोक के साथ नोश फरमा लेंगे। धूप भी इधर आ जाती है और कच्ची जगह, लेकिन बारिश की वजह से सारी भीग गई, लेकिन जो नया शेड होगा इसमें माशाल्लाह बड़ा यार नज़ारा होगा। अल्लाह के फजल से दुआ करें अच्छे तरीके से बन जाए, क्योंकि उसमें जनाब वो बंकर होते हैं जनाब क्यूबिकल जिनको कहते हैं बंकर भी कहते हैं, वो उसमें गाय बैठ जाती है आराम सुकून के साथ, रेत होती है तो उसमें गाय को परेशानी नहीं आती। इधर तो जब जनाब बारिश आती है चिक्कड़ तो खोबा जनाब सारा माल मताब बन जाता है। वेखो ना थे किन्ना किन्ना खुबाट बने पे है, सारा वेखो गावे के पैरों थले इत कुदार डंग धुप चढ़नी तो कट्टा खुलना, नहीं तो खोबे तो खोबा चढ़िया जनाब उत्थे माशाल्लाह काम जो होवे सीधा फिर मजे आवे सन। ये वेखो इस तरह सैले लैन रेड़ के गठ अगू जनाब वो आराम सुकून तेक तक के बेच कर लेंगे, क्योंकि वो पैप जो लगे ने उन्होंने बेच टेका बन गठा बढ़िया ने तो मसला बन जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी प्यारी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी यार इसको लाइक करो, जो बहन भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको दे 2 जानों की कामयाबियाँ, अल्लाह पाक जो बहन भाई कर्जदार उनको कर्ज से निजात अता फरमाए, अल्लाह पाक भाई जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सब को 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ के माह रमज़ान की आमद है, हम सब को अच्छे तरीके से सलात तरावी के साथ 5 जमातें जो है वो भी 5 नमाजें सॉरी वो जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सारे के सारे रोज़े अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ताकि हम रख सकें रखने की तौफीक अता फरमाए। हंसते रहें बसते रहें और नेकी की बातों का एक दूसरे को बताते रहें। ओके अल्लाह के हवाले जनाबे वाला।